गुजराती भाई बहनों से पर आज नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिवस है हमारे किसानों को वीडियो बनाने से हमारा लोकतांत्रिक धारासभ्य योगेश भाई तो हूँ नारायण को भाषण हिंदी में करें हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक चाकों विधानसभा के लोकप्रिय विधायक योगेश ठाकर जी, लोकप्रिय नगर सेविका लीनाबेन गैरकर, प्रमोद घाट, ईश्वर बिडलानी, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और लीनाबेन का अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, उन्हें शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें बहुत लंबी आयुष्य भगवान दे ताकि वो भारत देशवासियों की सेवा और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक करते रहे। ये जो योजना उन्होंने लाई पहले चरण में, इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। फिर हम सब लोगों ने इसमें मांग की कि सामान्य घर परिवार के लोगों को भी इसमें लाभ मिलना चाहिए। 300 फुट से कम में भी रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने उसमें कानून में नियम में थोड़े बदलाव किए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिनके पास राशन कार्ड है उनको इसका लाभ मिले इस प्रकार की घोषणा करके बहुत बड़ी राहत महाराष्ट्र और मुंबई शहर के लोगों को मिला है। अब ये जो केंद्र सरकार में कानून में बदल होते हैं, महाराष्ट्र सरकार जो निर्णय करती है, ये नीचे पहुंचने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि ऑफिसरों को काम करने के लिए जीआर सर्कुलर ये सारा हाथ में आने के बाद भी वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे लीना बहन ने कहा कि मोदी जी जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं, योगेश भाई करते हैं, मैं करता हूँ, हमारे सारे पार्टी के लोग करते हैं, ये थोड़ा संघर्ष का दायरा अगर हम लोग और बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम लोगों को इसमें लाभ मिल सकता है और जिनके पास राशन कार्ड है वो लाभ लेने के लिए जाते हैं। तो मैं सबसे अपील करूँगा अगर आपको कोई जो हॉस्पिटल में जो सुविधा मिलती है वो तो हॉस्पिटल के लोग अगर ना कहते तो उसको कहो कि साहब आप लिख कर दे दो ये सुविधा आपको नहीं मिली, आप सिर्फ इतना तो करिए फिर उसके बाद कोई लेना बहन योगेश भाई मुझे जो भी करना हो हम करेंगे। लेकिन आप उसका सुन के चुपचाप घर पर आएंगे तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी बदलेगी नहीं, इसलिए एक काम करिए। दूसरा, आज विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा जयंती भी है, इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है और उसका वितरण का कार्यक्रम वो आज करने वाले हैं। 1,00,000 रुपए का लोन पहले चरण में देंगे, 1,00,000 रुपए का लोन अगर आप वापस करते हो तो फिर आपको 2,00,000 रुपया मिलेगा, 2,00,000 रुपए का लोन आपने वापस कर दिया तो फिर आपको 3,00,000 रुपए का लोन मिलेगा और उसके बाद में जैसा आपका व्यवसाय बढ़ेगा आप वैसे बैंक में से अधिक लोन आपको मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। देश के प्रधानमंत्री का सपना ये है कि सामान्य से सामान्य आदमी बैंक के साथ में जुड़ जाए और अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बने। अभी इसमें बहुत सारे प्रकार के आर्टिसन लोग जो घर में बैठकर कुछ जरूरत मुद्दा काम करते हैं, ऐसे लोगों की एक पूरी यादी बनी है, वो यादी योगेश भाई के पास है, लीना बहन आपको देगी जो भी क्षेत्र से जुड़े हैं और जो विश्वकर्मा समाज के नहीं है उनको भी लोन मिलने की बहुत सारी योजनाएं। आज तो विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा की जयंती है इसलिए इस प्रोग्राम का हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो देश में छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को लोन आसानी से मिले इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की सुविधा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है, उसका लाभ हम सब लोगों ने मिलकर लेना चाहिए। ये अपील करते हुए मैं फिर एक बार योगेश भाई, लीना बहन और चाकू विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ।
आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में इतने सवेरे आप सब लोग मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं। मुझे और योगेश जी का पूरे दिन भर में बहुत सारे कार्यक्रमों में जैसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है, तो मैंने तय किया कि आज 17 जगह पर मैं जाऊँ, थोड़े थोड़े समय पर जाऊँगा, लेकिन आज शाम तक 17 कार्यक्रमों में जाकर कल सवेरे 6 बजे का फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आज देश आजाद होने के बाद गणपति बाप्पा जिस दिन आगमन होने वाले है उस दिन पार्लियामेंट का सत्र शुरू रखा है उन्होंने, मतलब 19 तारीख को पार्लियामेंट चलेगा, 18 तारीख को भी चलेगा। आप सबकी जानकारी के लिए आप हमारे वोटर है, 18 तारीख को इसलिए रखा है कि 18 तारीख को जो चुनाव पार्लियामेंट में चल रहा था उसको हम अलविदा कहने वाले हैं। कल एक दिन का वहाँ पर मीटिंग होगा और उस पार्लियामेंट को अलविदा कहकर 19 तारीख को नए पार्लियामेंट में सत्र कल्पना उनका ये होगा कि हम गणपति बाप्पा को घर में लाते हैं, डेढ़ दिन का हमारे घर परिवार का विघ्न दूर हो, यही कल्पना है हम सबकी। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री के मन में यह आया होगा कि 19 तारीख को नया पार्लियामेंट में सत्र का प्रारंभ करके सारे देश की विघ्न दूर हो, ये उनकी मन की कल्पना है। आप सबके प्रतिनिधि के नाते मैं अपने देश के प्रधानमंत्री ने बनाया हुआ संसद में 19 तारीख को हाजिरी लगाने के लिए जा रहा हूँ। आप सब मेरे पास बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।